रोहतास जिले के करहगहर के सहायक थाना बढ़हरी थाने के पास मंदिर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सूर्यपुरा थाना क्षेत्र घुस लड़ही गांव के एक युवक अरविंद कुमार प्रभाकर दिनारा थाना क्षेत्र के एक की सीता कुमारी से 2 साल से प्रेम करता था। जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों ने घर से भागने के फैसला ले लिया। दोनों घर से 18 अप्रैल को भाग भी गए, लेकिन पारिवारिक दबाव और लड़की पक्ष के द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद वो वापस आ गए। ऐसे में दोनों ने अपने रिश्तेदारों का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं भी सहारा नहीं मिला। वहीं बार बार लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा धमकी देने जाने के कारण दोनों प्रेमी जोड़ों ने बढ़हरी ओपी थाने में आकर आत्म सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़ा बढ़हरी ओपी थाना पहुंचा था, हालांकि दोनों प्रेमी प्रेमिका बालिका हैं, इसलिए पुलिस भी एक्शन में आ गई। लड़की और लड़के पक्ष के लोगों को बुलाकर आपसी समझौता करने की बात कही। काफी देर तक लड़की और लड़का पक्ष में हुई बातचीत के बाद लड़की पक्ष के लोग तो वापस चले गए, लेकिन लड़का पक्ष के रजामंदी से बढ़हरी थाने के पास एक मंदिर में दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी करा दी गई। मेरे साथ में कुछ हम लोग प्रेम विवाह कर रहे थे, इसमें प्रेम जैसे हुआ, इसके बाद में हम लोग शादी करके चले गए। फिर हमारे घर वाले और एक और उनके लड़की वाले के घर से बुलाया गया। फिर हम लोग को गलत बला फुसला कर इसके बाद में हम लोग को मारने के लिए वो बुला रहे थे, और जहाँ से मैं दिल्ली से भी चला चंडीगढ़ से, इसके बाद में मेरा मोबाइल ट्रेस करने लगे। ठीक है, ट्रेस करने के बाद में हमारा लोकेशन सभी चीज के दिखाता रहता। इसके बाद में मैंने अपना मोबाइल भी जो है उसको ऑफ किए। फिर ऑफ करने के बाद में मैंने अपने आया बनारस से, फिर इसके बाद में आए, फिर इसके बाद में आने के बाद में कोचस में, इसके बाद में मैं अपने रिलेटिव ही आए। रिलेटिव वाले ने मेरे को इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं रखेंगे आपको। तो इस कारण में मुझे कुछ सपोर्ट मिली, जैसे गाड़ी उड़ी, बोले कि नहीं आप थाने में चले जाइए। तो हम बढ़ारी थाना में यहाँ पर चले आए, हम सिलेंडर किए। अच्छा, उसके बाद शादी करें आप? हाँ, इसके बाद में थाना के अंतर्गत हम लोग अंडर में शादी किए। लड़की के परिवार वाले भी कुछ आपसे लोगों से बातचीत किए हैं क्या? हाँ, लड़की के वाले के आए थे, लड़की से बातें की सभी, उसके पिताजी आए थे, उसके भाई आए, उसके और जो भी 3-4-5 आदमी थे वो भी आए। इसके बाद में मंतोष नाम के एक व्यक्ति ने आए, जो मेरे को बहुत पहले से ही टॉर्चर कर रहे हैं, और इसके बाद में एक विनोद नाम के जिससे टॉर्चर कर रहे हैं, उमेश सिंह इनके पिताजी भी टॉर्चर कर रहे हैं, इसके बाद में और भी आदमी है। तो आप प्रशासन से मतलब यहाँ पर? हाँ, अपने बचाव के लिए गुहार लगाई। मैं यहाँ पर अपने बचाव के लिए मैंने यहाँ पर आया हूँ। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार प्रभाकर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विलेज पोस्ट गोसलडी, डिस्ट्रिक्ट रोहतास, नंबर 80-22-12। पिताजी का क्या नाम है? श्री राधिका रमन प्रसाद सिंह। जो आप शादी की है ये कहाँ की है? ये तो जातर टोला घुड़वश के। अच्छा, कैसे प्रेम हुआ आप लोग? कहीं हम लोग जा रहे थे चाहे आए थे, तो इसके बाद में हम लोग मिले थे, तो इसमें होता है कि अपने दो आत्माओं का मिलन हो गया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा। कब से आप लोग का प्रेम पसंद चल रहा है? ये तो मेरा पहले था, फिर इसके बीच में मैंने ब्रेकअप हो गया, हमारा जो भी था ब्रेकअप होने के बाद में फिर किसी तरह से हो गया टच में, इसके बाद में हमारा कंटिन्यू चलते रहा। लगभग कई साल से आप लोग संपर्क में? ऐसे 2 साल से संपर्क में हूँ। 2 साल से? अभी आप लोग दोनों आदमी शादी किए, इससे खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग अपने स्वेच्छा से खुश हूँ, और मैं अपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं अपने स्वेच्छा से शादी किया हूँ। हालांकि दोनों प्रेमी जोड़े ने पहले भी किसी मंदिर में शादी कर ली थी, लेकिन इस मंदिर में दोबारा एक दूसरे को माला और सिंदूर डालकर परिजनों से आशीर्वाद लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। वहीं पुलिस ने लड़के पक्ष से लिखित लेने के बाद लड़की को लड़का पक्ष के हवाला कर दिया। फिलहाल ये शादी बढ़हरी समेत आसपास के गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। मंदिर में शादी के समय लोगों की काफी भीड़ उमड़ गई और अपने मोबाइल के कैमरे में इस प्रेमी जोड़े की तस्वीर को कैद करने लगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।